दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर इमली की होगी पग फेरे की रस्म, जहां पर आएगा अथर्व के सामने पूरा सच। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। इमली और अथर्व दोनों ही एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं। पहले तो डीजे को लेकर इमली उसका साथ देती है, और उसके बाद में प्रसाद को लेकर। जब प्रसाद गिर रहा होता है तो चाची और बुआ भी उसे ताने दे देते हैं, जिससे अथर्व उसको बचाते नजर आते हैं, और यहाँ पर खुश हो जाती है इमली की नानी और बुआ दोनों ही। वहीं पर अब चीनी को जाकर रुद्र राणा ताने देते नजर आता है कि तुम थोड़ी सी स्माइल भी कर लो, इन दोनों को साथ देकर तुम्हें बहुत जलन हो रही होगी ना। और इमली और अथर्व काफी शानदार डांस करते नजर आते हैं, और उसके बाद में चीनी भी अथर्व के साथ डांस करती है, जिससे कि भड़काने की कोशिश करती है भाभी इमली को कि देखो दोनों कितने क्लोज होकर डांस कर रहे हैं। उसके बाद में चीनी अब यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करेगी रुद्र राणा को, अब यहाँ पर बहुत बड़ा झटका देने के लिए। वो हमेशा के लिए अथर्व की होने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो नशे में उसको कुछ कॉकटेल बना देती है, जिससे कि अथर्व को नशा हो जाता है। वो दूसरी ड्रिंक कोई और नहीं इमली पी लेती है, और इसी चक्कर में वो दोनों ही एक रूम में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद इमली तो रूम के बाहर इंतजार कर रही होती है, और अथर्व के साथ में चीनी होती है। लेकिन अब चीनी में भी अथर्व को इमली ही नजर आ रही थी, और वो उसके करीब नहीं आ रहा होता, और सारी सच्चाई कहता था कि अब तो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। और वो इमली समझ कर उसे काफ़ी कुछ सुना देता है, लेकिन वो सब कुछ तो नशे में उसने चीनी को ही कह दिया है, जो कि सच में सच है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि इमली ही अथर्व को बचाते नजर आएगी चीनी की घटिया हरकत से। तो दूसरी तरफ देखने को मिलेगा पग फेरे की रस में, यानी कि अथर्व ये सोचेगा कि इमली कितनी अच्छी, कुछ गलत तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ये चाहे कुछ हो, लेकिन वो चीनी तो नहीं, इसलिए मैं पग फेरे की रस्म पर उसे घर ही छोड़ कर आऊंगा और वापस नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन वहां पर जाते ही सच सामने आएगा सायरा का, जो कि इमली के कमरे में उसे दिखेगा। तो इमली की डायरी ही पग फेरे की रस्म में सारा सच खोलेगी अथर्व के सामने, और चीनी का झूठा चेहरा अथर्व के सामने आ जाएगा।